आपके मुताबिक नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ पे बिल्कुल भी वजूद में ही नहीं है? नहीं, वजूद में है जी। है, 100 साल की पुरानी पार्टी है, वजूद में तो है, लेकिन ये शाख काटने के लिए मुझे कुछ समय दे दो, इनका ये जो जहर है ना ये निकालने के लिए मुझे कुछ समय दे दो। क्या आपको लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को यहाँ के लोग सपोर्ट करते हैं? करते हैं या बाकी करते हैं? बुजुर्ग लोग, नासिर असलम स्वगामी, स्वगाम से वहीं से आता है क्या? हाँ ठीक है, वो उसने वहां क्यों नहीं तब से इलेक्शन लड़ा? वो श्रीनगर में इलेक्शन क्यों लड़ता था? क्यों? गांव वालों पे भरोसा नहीं था, वो वोट देते, थोड़ा वापस भाग गया, अब लोलार चला गया। क्यों? क्योंकि अल्ताफ बुखारी यहाँ से लड़ रहा है। एलजी की सरकार है, सेंटर में बीजेपी की है, तो आपके जो काम है वो कैसे सक्सेसफुल? मैं बताता हूँ, लेकिन अगर हम आम आदमी पार्टी के जो प्रेजिडेंट है अरविंद केजरीवाल की बात करें जी, तो उन्होंने साफ, तो वो थोड़ी सेलिब्रेट करेंगे, उन्होंने साफ तौर पे एक ट्वीट किया जब आर्टिकल 370 हटाया गया, तब उन्होंने ट्वीट किया कि अच्छा हुआ। एक बार बताओ जी, आप लोग कहते हो 370 पे अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया, मैं मानता हूँ किया, एक वर्ड था डेवलपमेंट, उन्होंने मोड ऑफ डेवलपमेंट पे किया, ठीक है। दूसरी बात, आप ये सवाल जाके गुपकार पे दरवाजा खड़ा, सुनो वो हरा रंग का दरवाजा खड़का, काले रंग का दरवाजा खड़का, फारूक अब्दुल्ला को बोलो, बोलो अगर अरविंद केजरीवाल ने 370 पे सपोर्ट किया, आपने कल अलायंस में सपोर्ट क्यों किया उसकी? दैट मीन फिर तो वो भी दुश्मन है। नहीं नहीं, आप मुझे देखो, फारूक साहब ने इंडिया के मोमेंट में हाथ डाला ना, सपोर्ट किया ना, संजय सिंह साहब के साथ थे ना वो, तो संजय सिंह साहब किस पार्टी के मेंबर है, किस पार्टी के? बेटा एक बयान देता है, बेटा बोलता है कि केजरीवाल जी बोल रहे हैं कि अब हमें आपकी जरूरत है, उसने कहा था कि तब हमें जब आपकी जरूरत थी आपने साथ नहीं दिया, तो फादर साहब जाके दिल्ली में सपोर्ट करते हैं। बेटा एक बात, बाप एक बात। क्या आपको नहीं लगता कि आर्टिकल 370 हटने के बाद यहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है? देखो बात साफ साफ और सच करनी चाहिए, बहुत चीजें डेवलप हुई, मैं पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को सपोर्ट नहीं करता हूँ किसी की, लेकिन अगर डेवलपमेंट हुई यूथ के मामले में या कहीं पे पैसा लगा, कुछ लगा, किसी जगह पे सही लगा, किसी जगह पे नहीं लगा, बट जो चीजें हुई वो बोलनी चाहिए, इसमें क्या हमेशा जवाब दूं खुदा से? मैं नहीं किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करता या किसी की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को सपोर्ट करता हूँ, लेकिन अगर गवर्नर साहब ने एक दो काम या तीन चार काम अच्छे किए, इट्स ओके, एज कम्पेयर टू NCPDP एंड अदर रीजनल पार्टी, शी डिड गुड थिंग, शी डिड। अच्छा, आपसे ये भी जानना चाहूंगा, हम सोशल मीडिया पे देखते रहते हैं कि आप लोगों के काम करते हैं, लोगों के जो मसाइल मसाइल देखते रहते हैं और कंप्लीट करके भी देते हैं, सक्सेसफुल होता है, सबको ये लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं जो है बीजेपी के साथ, अगर मैं बीजेपी के साथ हुए हो, एक चीज मैं बताऊंगा, आप सोशल मीडिया पे लोगों के मसाइल देखते हैं और सक्सेसफुल भी हो जाता है, लेकिन आपकी गवर्नमेंट है ही, ठीक है, अभी एलजी की सरकार है, सेंटर में बीजेपी की है, तो आपके जो काम है वो कैसे सक्सेसफुल? मैं बताता हूँ, इसमें गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता, मैं पढ़ा लिखा हूँ ना, इंजीनियर हूँ ना, अंगूठा छाप थोड़ी हूँ, अफसर के साथ जब आप तौर तरीके से अच्छे से बात करोगे ना, आपका भी काम होगा, मेरी बात को समझेंगे। दूसरी बात, अगर मैं बीजेपी वालों के, जिनका मैं तो सोच भी नहीं सकता कि मैं तो ये अल्फाज भी नहीं लेना चाहता, तो मेरे साथ सिक्योरिटी वाले नहीं होते? एम आई हैविंग सिक्योरिटी? डू आई हैव सिक्योरिटी? एवरी बीजेपी पर्सन इज हैविंग सिक्योरिटी, एवरी एफिलेटेड पर्सन विद बीजेपी इज हैविंग सिक्योरिटी, बट जिब्रान डार इज रनिंग विदाउट सिक्योरिटी एंड डे एंड नाइट, है कि नहीं? एंड होल कश्मीर नोज दैट, मैं कश्मीर का वफादार बेटा हूं, मैं कौम का वफादार बेटा हूं, आई एम नॉट गोइंग टू बी द नेक्स्ट शाह फैसल, आई एम नॉट गोइंग टू बी दैट। मेरी बात सुनिए, मैं आपको ऑन रिकॉर्ड क्या, मैं आपको जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास मैजिस्ट्रेट के बाद चढ़ के दूंगा कि अगर इख्तदार में आने के बाद मैंने अपनी आवाम का काम नहीं किया 6 महीने के अंदर जो वो चाहते थे, मैं अपने पोस्ट पद से इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं, आई एम गोइंग टू एंड दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी इफ आई एम नॉट able to fulfill the needs of my basic people. लेकिन ये तो सारे कहते हैं इलेक्शन से पहले, सारे कहते हैं, लेकिन एक काम करो, अगर आपको उसके बाद अलग ही जो फेस, अगर आपको पुराने MLAs ने या कोई भी बंदा काउंसलर कोई भी आपको हाई कोर्ट में आएगा जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट के पास, ये कह के देगा कि भाई मैं ये लिख के दूंगा, अगर काम नहीं हुआ मैं रिजाइन करूंगा, आप जो बोलोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट, नोटरी नहीं, नोटरी कमीशन दे दी, क्या चला नोटरी को बलवारो, नोटरी से अच्छा पकोड़े वाला वो पेपर होता है, आप फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की बात करो, उसके सामने बयान दो, 6 मोहल्ले वालों को लो, 6 मोहल्ले के प्रेसिडेंट को लो, उनसे बयान विट करवाओ, विटनेस करवाओ, अगर 6 महीने के अंदर 6 मोहल्लों के काम नहीं हुए, 6 महीने के अंदर 6 एरियाज के काम नहीं हुए, उस बंदे को अपनी कुर्सी से उतरना चाहिए, उस बंदे को उस कुर्सी पे बैठना नहीं चाहिए, ये जिम्मेदारी आपको निभानी है, जैसे आपकी जिम्मेदारी माइक लेके घुसना और बात करना और सवाल पूछना है, वो बड़ा आसान होता है, लेकिन मेरे जाके आके मेरी चप्पल पहन के देखो, आके मेरी चप्पल पहन के देखो, पीछे अगर पत्तों को ऐसे भी होता है ना, पूरी बॉडी में शिवरिंग होती है, कोई पीछे किसी पार्टी का मारने तो नहीं आया, कोई किसी पार्टी का तंग करने तो आया, क्योंकि इन लोगों ने काम नहीं किया। अगर आप यहाँ की जनता से पूछोगे, ये लोग यहाँ पे खड़े, आप इनसे पूछो, मेरे वीडियो देखते हैं, काम देखते हैं, कोई कुपारा से देखता है, कोई सोपोर से देखता है, कोई कहीं से देखता है, दे लव मी, दे सपोर्ट मी, अगर यहाँ पे भी उम्र चलेगा, दे विल नॉट,
कम, फारूख साहब चलेंगे, दे विल नॉट कम। एक बार बताओ, मार्केट डूबा, मार्केट डूबा, डूबा। फारूख अब्दुल्ला कितना दूर रहता है, आया। उमर साहब कितना दूर रहता है, आया। दे डोंट केयर। उमर अब्दुल्ला बैठा है अभी कहां, बेंगलुरु के स्विमिंग पूल में। अगर यकीन नहीं हो रहा है, इंस्टाग्राम खोलो। लेकिन आप तो कह रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस पे आपने अटैक किया, आपके मुताबिक नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ पे बिल्कुल भी वजूद में ही नहीं है। नहीं, वजूद में है जी, है। 100 साल की पुरानी पार्टी है, वजूद में तो है, लेकिन ये शाख काटने के लिए मुझे कुछ समय दे दो। इनका ये जो जहर है ना, ये निकालने के लिए मुझे कुछ समय दे दो। यहाँ के जो बुजुर्ग है, उन बुजुर्गों को इनने कब्जे में रखा है, लेकिन यहाँ के यूथ को कब्जे में रखते, यहाँ का यूथ परिंदा है। क्या आपको लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को यहाँ के लोग सपोर्ट करते हैं, करते या बाकी करते हैं बुजुर्ग लोग? लेकिन उन बुजुर्गों को भी आजकल मेरी मोहब्बत हुई, आपने देखा होगा 72 साल बुजुर्ग एक मेरा फॉलोअर फेसबुक पे है। लेकिन लेकिन जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है, अगर उनको बुजुर्ग साथ देते हैं तो बुजुर्ग की मेजोरिटी से नेशनल कॉन्फ्रेंस जीत नहीं पाएगा। तो ये दावा नेशनल कॉन्फ्रेंस करती है कि हम बिल्कुल जीतेंगे, आने वाले इलेक्शन जो भी आएगा हम जीते ही रहेंगे। तो क्या अच्छा, पूरा मतलब वो 45-46 सीटें लेंगे? नहीं ले सकते वो जी। अगर वो लोग सड़क पे अवेलेबल होते लोगों के लिए तो मैं लिख के दूंगा, वो सरकार बनाएंगे, लेकिन वो नहीं है। फारूक साहब एमपी है श्रीनगर के कि नहीं है, या नहीं? हाँ या ना बोलो। एमपी के पास 50 करोड़ का फंड होता है, होता है कि नहीं? क्या इसमें से एक भी दुकानदार को पैसा मिला? पूछो, पूछो जाके, आया यहां, वो उसकी जिम्मेवारी है। फारूक साहब को बुरजामा से लेके छानापुरा की बॉर्डर, पांथा चौक से लेके नारबल की बॉर्डर, ये सारा उसका इलाका प्रेडिंग करता है, जिसको वोट डाले और मेंबर पार्लियामेंट बनाया। आप मुझे एक जगह बोलो जहां फारूक साहब गए, एक फोटोग्राफ दिखाओ जहां फारूक साहब गए। हमारे 2 MLA किसने अंदर भरे, आप जवाब दो, किसने भरे जी बताइए? अरे सेंट्रल की हुकूमत ने, सबको पता सेंट्रल में किसकी हुकूमत है, बीजेपी की है। तो हम कैसे उनके दोस्त हुए, हम कैसे उनके सगे हुए? 2 मिनिस्टर हमारे उन्होंने अंदर भरे बिना किसी चार्जशीट के, तो हम कहां से उनके दोस्त हुए? जवाब दो ना। अगर हिंदुस्तान में एक वाहिद पार्टी है जो बीजेपी का मुकाबला कर रही है, वो है आम आदमी पार्टी। अगर गुजरात में मुकाबले में उतरी तो आम आदमी पार्टी, अगर पंजाब में मुकाबले में उतरी तो आम आदमी पार्टी। और याद रखना, तारीख गवाह रहेगी, वो वक्त गवाह रहेगा, वो खुदा गवाह रहेगा, जम्मू कश्मीर की आवाम गवाह रहेगी, जब जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी। कब बनाएगी? आने वाले इलेक्शन में? मे बी, मे नॉट बी, मैं नहीं बोलूंगा 50 बार। नहीं, आपने कहा बनाएगी, मैंने कहा सरकार बनाएगी। वो कब बनाएगी? सी, इट कैन बी आफ्टर 5 ईयर्स, इट कैन बी आफ्टर 2 ईयर्स, इट कैन बी आफ्टर 10 ईयर्स, बट वी शुड नॉट लूज होप। मैं नहीं फालतू वाली बातें करूंगा, 50 पार 55 पार, उतना काम ही नहीं किया हमने। देखो देखो, वो तो पता है आपको बेहतर, हमने उतना काम नहीं किया। मैं अभी फिलहाल करंटली आपको श्रीनगर की बात बोलूंगा। आई हैव डन वर्क, वी हैव डन वर्क, ये आप बखूबी इस चीज से, इस चीज को एंडोर्स कर सकते हो आप, आपको कोई मना नहीं करेगा। मैं हर दिन घर से निकलता हूँ, हर दिन काम करने जाता हूँ। अभी भी आप लोगों ने मुझे रोका, वरना मेरा आधा घंटा आप लोगों ने वेस्ट ही किया, मैं क्योंकि मुझे काम करना है। बट ये वेस्ट से भी लोगों को पता चलेगा, एटलीस्ट लोगों का काम हो रहा है। तो आपको आवाम के लिए सड़क पे आना पड़ेगा, चप्पल घिसनी पड़ेगी, आप चमड़े के जूते लगाओगे, फिर बंदे पीछे रखोगे, फिर सड़क पे नहीं आओगे। That's not gonna make it. ये फिर आपके वो जो सीटें आपके आएंगी, वो जो पुराने वोट है, पैसे उसे खरीदोगे, वो करोगे, एजेंट्स बनाओगे, वो करोगे। That's not. बाकी देखो सिंपल सी, मेरा फंडा एक है, परेशानी कहाँ है, लोगों का काम करना है, चाहे वो छानपुरा का हो या बुरजहमा का। मुझे एक बार बोला, रिसेंटली आपने बोला, मेरे सोशल मीडिया को देखते हो, मैं कितने दिनों से बुरजहमा में हूँ, बहुत टाइम से। मुझे तो बुरजहमा में इलेक्शन नहीं लड़ना है ना, मैंने तो छानपुरा में लड़ना है, तो why I'm going बुरजहमा? Because people are suffering. बुरजहमा में बहुत सारे नाग है, पानी की स्प्रिंग्स, बट स्टिल उनको पानी नहीं है। ये आयरनी नहीं है, आप समझो, वहां पानी ही पानी है, हारवन का पानी, गांदरबल का पानी, बुरजहमा का पानी, शालीमार का पानी, निषाद का पानी, लेकिन फिर भी वहां के कॉलोनी वालों को पानी नहीं है। तो नहीं जाऊंगा, जो तकलीफ में होगा नहीं जाऊंगा। आप कहाँ रहते हैं, आप एड्रेस तो बताइए ना। लोलाब में रहते हैं, लोलाब इतनी खूबसूरत सी वैली है। आपके लोलाब का एक बंदा था नासिर असलम स्वगामी, स्वगाम से वहीं से आता है क्या? हाँ ठीक है, वो उसने वहां क्यों नहीं तब से इलेक्शन लड़ा, वो श्रीनगर में इलेक्शन क्यों लड़ता था? क्यों, गांव वालों पे भरोसा नहीं था, वो वोट देते और अब वापस भाग गया, अब लोलाब चला गया। क्यों? क्योंकि अल्ताफ बुखारी यहां से लड़ रहा है, बट जिब्रान डर फिर भी वही खड़ा है। इनके पास पैसा है, मेरे पास पैशन है। आपने कहा अल्ताफ बुखारी, क्या आपको लगता है अपनी पार्टी आएगी? किसकी, आपकी पार्टी? आपने अपनी पार्टी की, आपकी, उसकी पार्टी का नाम क्या है? अपनी पार्टी, आपको लगता है वो आपकी पार्टी है? नहीं आप बोल रहे, नहीं नहीं नहीं, मेरे नाम है पार्टी का,
तभी मैंने कहा अपनी पार्टी, चार पार्टी तो नहीं है, तीन से चार सीटें वो पूरे कश्मीर में लेंगे, मुझसे लिख के ले लो पेपर और पेन ला, मैं लिख के दूंगा, चार या तीन सीटों के अलावा वो सीट नहीं ले पाएगा। एंड छानापुरा भूल जाइए अल्ताफ साहब, छानापुरा के लोग इतने भी बेवफा नहीं है कि वो अपने बेटे को वोट नहीं देंगे, छानापुरा के लोग इतने भी बेईमान नहीं है वो अपने बेटे को वोट नहीं देंगे। मैं बेटा हूं उनका, मैं वहां पैदा हुआ, मुझे वहां दफन होना है। आप रफिया बात के आप अपना रास्ता ढूंढिए।